फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी एक नया सा डिश जो कि है दम पनीर। तो इसके लिए मैं 250 ग्राम पनीर, इसको क्यूब साइज में मैंने कट कर लिया है। 3 मीडियम साइज के प्याज मैंने ले लिया है, 3 से 4 चम्मच दही मैंने ले लिया है, और थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा ये दूध है, जस्ट लाइटली थोड़ा सा है। तो आइए इसका प्रोसेस मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं थोड़ा सा तेल देती हूँ। अब तेल यहाँ गरम हो चुका है, प्याज को मैं दे देती हूँ इस पे। इस तरह इसको फ्राई कर लीजिए, मीडियम फ्लेम करके इसको फ्राई कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, जब तक ये रेड गोल्डन ब्राउन कलर में ट्रांसफर ना हो जाए। इसको मैंने फ्राई कर लिया है और थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं इसको, ताकि इससे जो पेस्ट बनेगा बहुत अच्छा कलर आएगा इसका। इसको इतना ही फ्राई करना है। अब मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है, ये पूरा ठंडा हो जाए फिर इसका पेस्ट बनाते हैं। यहाँ मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है, और फिर से कढ़ाई को गरम करके उसमें तेल देती हूँ। अब यहाँ मैंने खड़े मसाला सब दे दिया है, जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था इसमें थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट कर दीजिए, इसका टेक्सचर ऐसा आ गया है। तो इसको डालते हैं हम, अब इसको फ्राई कीजिए। मैंने सोचा पनीर का तो हम बहुत सारे डिश बना लेते हैं, तो आज कुछ नया ट्राई करते हैं, इसीलिए मैंने दम पनीर बनाने का सोचा है। इसका रॉ स्मेल अभी तक है, तो अब थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट दे देते हैं, ताकि ये दोनों अच्छी तरह से भून जाए। अब मसाला होता रहे तब तक मैं हल्दी दे देती हूँ इसमें, चिली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अब थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं दही को देती हूँ, 3 चम्मच मैंने यहाँ दही दिया है। इसको मिला लीजिए, वरना दही चिपक जाएगा इसमें। ये मसालों को होने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये मसाला अच्छी तरह से हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी देती हूँ, 1.5 ग्लास आपको पानी देना है, और अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए मसालों के साथ। बॉईल होने के लिए रख दीजिए और ढक लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए। अब इसको थोड़ी देर के बाद मैं ओपन करती हूँ। इसमें बॉईल आ चुका है पूरी तरह से, अब मैं इसमें सारा पनीर को दे देती हूँ। पनीर को मिक्स कर लीजिए अच्छे से। मैं थोड़ा सा दूध दे रही हूँ, दम लगाना है इसके लिए मैंने एक फॉइल पेपर ले लिया है मैंने। अच्छी तरह से कवर कर लीजिए, अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप आटा का डो ले सकते हैं। अब इसको लो टू मीडियम 5 मिनट के लिए पकाते हैं, उसके साथ आप रोटी भी ले सकते हैं, नान ले सकते हैं, कुलचा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पराठा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ लच्छा पराठा बनाने का सोचा है, तो इसका प्रोसेस मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने 6 लहसुन ले लिया है, का मैंने अलग कर दिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता ले लिया, इसको चॉप्ड कर लिया है, बटर चाहिए हमें, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा ऑर्गेनो। तो आइए, तो इसके छिलके को मैंने अलग कर लिया है लहसुन से, अब इसको छोटे छोटे साइज में कट कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैश कर लेते, थोड़ा सा बटर ले लिया। 7-8 मिनट हो चुका है, अब इसको देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। ये नहीं हुआ है अब तक, तो इसमें हम थोड़ा कस्तूरी मेथी दे देते हैं, गरम मसाला, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब फिर से इसको कवर कर लेते हैं मीडियम फ्लेम करके। मैंने यहाँ थोड़ा सा बटर लेके मेल्ट कर लिया था, अब इसमें लहसुन दे देंगे, अब धनिया पत्ता दे देंगे, आप धनिया पत्ता को जितना बारीक करोगे उतना ही अच्छा है। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स लिया है, थोड़ा सा ऑरिगेनो, अब इसको अच्छी तरह से फिर से मिला लीजिए।
इसको अच्छी तरह से मिला के रख देते हैं। तब तक मैं पनीर दिखाती हूँ आपको, हुआ कि नहीं हुआ है। अब ये पूरी तरह से हो चुका है, इतना ग्रेवी रखना है। आटा जिस तरह गूंथते हैं उसी तरह इसको गूंदिए। आटे के रोटी से ये बनता है, तो मैंने यहाँ 6 लोइयां लिया है आटे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है इसको। इसको रोटी की तरह बेल दीजिए। तो इस तरह मैंने रोटी को बेल दिया है। आप राउंड शेप दीजिए, मेरा तो मैप बन जाता है, मुझसे रोटी बनता नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा आटा मैंने स्प्रिंकल कर दिया है, उन बटर का पेस्ट। अब इसको ग्रेस कर देते हैं, इसमें ग्रेसिंग कर देते हैं। स्प्रेड कर दिया है अच्छी तरह से, देख लीजिए। अब इसको ऐसे करके मैं जिस तरह बता रही हूँ आप उसी तरह कीजिए इसको। अब इसको इसी तरह कीजिए। अब इसमें एक फिंगर देके इसको, बाकी का सारा इसी तरह से कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए इसे। अब थोड़ा सा आटा लेके अब इसको फिर से रोटी की तरह बेलना है। आप ध्यान रखिए इसमें बटर है तो थोड़ा सा चिपक सकता है, तो इसीलिए आटा देते रहिए। और आप थोड़ा राउंड बेलना, मेरा तो मैप बन जाता है, रोटियां पूरियां बेलना मुझसे नहीं होता है। मैं बेल दिया है, अब बाकी का भी कर लेते हैं। ऐसे करना है, इसी तरह इसको आटा दे दे। जैसे आप रोटी बनाते हो उसी तरह इसको बनाना है। इस तरह मैंने सारे के सारे पराठे बेल लिए हैं। अभी तो मैंने पनीर को बना लिया है ये। अब हमारा दम पनीर बिल्कुल रेडी है, तो इसको मैं लच्छा पराठा के साथ शेयर करूंगी। यहाँ हमारा तवा गरम हो चुका है, इसमें हम रोटी को देते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं ये दो रेसिपी एक साथ शेयर करूंगी आपके साथ। थोड़ा सा तेल दे देते हैं, बाकी के सब रोटियां भी दे देते हैं। इसमें हमने एक रोटी दे दिया है। आप चाहो तो इसमें तेल के बदले घी भी डाल सकते हैं, लास्ट में बटर भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने सर्व कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और आगे मेरे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए ज़रूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।